ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चाणाल के जो होने गुण प्रवीण। किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए नहीं पूजा जाना चाहिए क्योंकि वो किसी ऊंचे कुल में जन्मा है। यदि इस व्यक्ति में कोई गुण नहीं है तो उसे नहीं पूजना चाहिए। उसकी जगह अगर कोई व्यक्ति गुणवान है तो उसका सम्मान करना चाहिए, भले ही वो किसी भी जाति का हो। कह रैदास तेरी भक्ति दूरी है, भाग पड़े सो पावे, तजी अभिमान मिटी आपा पर, पिपिला खावे चुनी खावे। प्रेम की भक्ति बड़े भाग्य से मिलती है। यदि आदमी में थोड़ा सा भी अभिमान नहीं है तो उसका जीवन सफल होना निश्चित है। ठीक वैसे ही जैसे एक विशाल शरीर वाला हाथी शक्कर के दानों को नहीं बीन सकता, लेकिन एक छोटी सी दिखने वाली चींटी शक्कर के दानों को आसानी से बीन सकती है। जा देखे जिन उपजय नरक कुंड में बास, प्रेम भक्ति सोधरे प्रगट जन रैदास। जिस रविदास को देखने से लोगों को घृणा आती थी, जिनके रहने का स्थान नरक कुंड के समान था, ऐसे रविदास का प्रेम की भक्ति में लीन हो जाना ऐसा ही है जैसे मनुष्य के रूप में दोबारा जन्म लेना। मन चंगा तो कठोती में गंगा, आपका मन शुद्ध है तो सब कुछ अच्छा है। जिस गंगा के लिए आप तीर्थ करते हैं वो तो आपकी कठोती यानी जिस चमड़े के बर्तन में आप पानी भरते हैं उसी में आ जाती है। कर्म बंधन में बंध रहियो, फल की ना तजियो आस, कर्म मानुष का धर्म है, सत भाखे रविदास। आदमी को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। कभी भी कर्म के बदले मिलने वाले फल की आशा नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कर्म करना मनुष्य का धर्म है तो फल पाना हमारा सौभाग्य है। मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही सेऊ सहज स्वरूप, निर्मल मन में ही पूजा है। यदि उस मन में किसी के प्रति बैर भाव नहीं है, कोई लालच या द्वेष नहीं है, तो ऐसा मन ही मंदिर है, दीपक है और धूप है, ऐसे ही मन में असली भगवान है। रविदास जन्म के कारण होत ने को नीच, नकर को नीच करी डारी है ओछे कर्म की कीच। कोई भी व्यक्ति किसी जाति में जन्म के कारण नीचा या ऊंचा नहीं होता, आदमी अपने कर्मों के कारण नीचा और ऊंचा होता है। जाति जाति में जाति हैं जो के तन के पात, रैदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जाति ने जात। जिस प्रकार केले के तने को छीला तो पत्ते के नीचे पत्ता, फिर पत्ते के नीचे पत्ता और अंत में कुछ नहीं निकलता, लेकिन पूरा पेड़ खत्म हो जाता है। ठीक उसी तरह इंसानों को भी जातियों में बांट दिया गया है। जातियों के विभाजन से इंसान तो अलग अलग बट ही जाते हैं, अंत में इंसान भी खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये जाति खत्म नहीं होती।